स्पिरिचुअल एफर्ट सीरीज का सर्मन फास्टिंग स्लैश सफरिंग फाका या रोजा और दुख। मत्ती की इंजील चौथा बाब और उसकी पहली चार आयात। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। इस तीसरा आठवां बाब तीसरी आयत, और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया और वो मन जिसे ना तू और ना तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जीता रहता है। और एक लास्ट रेफरेंस यर्मिया 12वां बाब 5वीं आयत, अगर तू प्यादों के साथ दौड़ा और उन्होंने तुझे थका दिया तो फिर तुझ में ये ताप कहां कि सवारों की बराबरी करे। तू सलामती की सरजमीन में तो बेखौफ है लेकिन यर्दन के जंगल में क्या करेगा। मरकजी आयत हमारी रूमियो 12वां बाब 11वीं आयत, कोशिश में सुस्ती ना करो, प्रोस्पेथिया सस्टेन एफर्ट, जिसमें कोई थकावट कोई सुस्ती की कोई गुंजाइश नहीं। और पीसीआई फेलोशिप, ये ईमानदारों को पता है रिफाकत करना रोटी तोड़ना ये मकसों को पता है। हमारी लाइफ के अंदर भरपूर कोशिश अपनी जात के लिए घराने के लिए मकसों के लिए कलीसिया के अंदर जो हमारी अहमियत हमें दी गई है उसके मुताबिक हमें खिदमत सर अंजाम देते रहना है और कोशिश में सुस्ती नहीं करनी। आमीन। और जो रेफरेंस पढ़े गए मत्ती की इंजील में और जो सर्मन फास्टिंग के हवाला से सफरिंग के हवाला से, तो जो हेडिंग में उर्दू में इंग्लिश में तो फास्टिंग पर जब पढ़ा गया है तो फाका, और फास्टिंग के दोनों ही मतलब है रोजा फाका। फाका रोजा में फर्क है तो फास्टिंग ही होती है। हम रात को जब नहीं खाते सुबह उठते हैं तो ब्रेकफास्ट करते हैं, रात फास्टिंग ही होती है अगर खाना नहीं आप खाते। मगर रोजा की जो तालीम है लोग इसको बारीकी से नहीं समझते। ये रस्मन कैलेंडर डेज आ गए हैं तो लिहाजा रोजा रखे, बच्चे भी रखे सब रखे, रोजा रखना अच्छी बात है पर तालीम को तो पता हो, एजुकेशन तो हमें आनी चाहिए कि रोजा है क्या चीज। तो फाका रोजा लफ्ज एक ही मानी है पर स्पिरिचुअली इनकी अलग अलग मानी है। मुख्य बाइबल जो बयान करती है और यशाया 58 बाब के अंदर लिखा है, जो रोजा मैं चाहता हूं वो ये कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं। जुल्म की जंजीरों को तोड़ना ये बताता है कि उस वक्त यहूदी खुद तो रोजा रखकर काम नहीं करते थे, दूसरों से करवाते थे, जुल्म करते थे। मगर आज स्पिरिचुअल मीनिंग है कि हमें जुल्म की जंजीरें जो इबलीस ने जिंदगियों में डाल रखी है वो तोड़नी है, वो चेन जो पड़ी हुई है उनको गुनाह से बहुत से निकाले। यही तो रोजा है कि सिर्फ पेट खाली करना ही रोजा है। रोजा का एक्चुअली मतलब होता था कि फास्टिंग में आप खुदा के हजूर अपनी लाइफ को दुख में ला रहे हैं ताकि खुदा आपकी दुआ सुन ले, बस इतना मतलब होता था कि खुदा दुआ सुन ले। ये रियाजत नहीं होती, ये आप वक्त देते हैं रोजा रख के कि मैं खाना छोड़ रहा हूं तो फिर दुआ ही करेंगे ना। तो मानी यही होता है कि रोजा इसलिए रखा जा रहा है कि आपके पास दुआ का टाइम आ गया है, आप दुआ करें खुदा सुन ले आप।
ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें बाकी काम सारे वैसे ही करें, तो ये रोजा नहीं होता। तो ये और 10 मिनट के अंदर होता था, और बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ही रोजा था, ओनली वन, और वो भी योम कफारा के ऊपर कि अपनी जानों को दुख देना, ये दुख देना फास्टिंग था। कि जब हाई प्रीस्ट ब्लड लेकर कोविनेंट बॉक्स के ऊपर जाता है, नेशन उस दिन रोजे में हो, फास्टिंग के अंदर एक ही रोजा। आगे चलकर फिर जब आप जकरिया मलाकिया इन बुक्स में पढ़े तो एक दो रोजे जो थे नेशन रखती थी। फिर क्राइस्ट के दौर के अंदर लोग खुद से रोजा रखते थे, हफ्ते में दो दो रोजे भी रख लेते थे। जैसे एक फरीसी कहता है मैं तो हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं, तो ये लोग हैं 2 रखें 3 रखें 4 रखें, पर रोजा जो वो चाहता है, ये नहीं कि खाक अपने सर पे डालो और अपने कपड़े फाड़ो ताज के ऊपर बैठो, ये रोजा नहीं। लोग खाक लगवा कर सोचते हैं कि हम खाकी हो गए, आजिज हो गए, ये नहीं। जो इनकी किताब लिखा है अपने दिलों को चाक करो, समझे, हम अब कहां खाकी रहे, अब तो हम यीशु के खुदा के लिए पालक बेटे बेटियां हैं, कहां खाकी हैं। तो जरूर रोजा रखे, 40 रखे, 80 रखे, 100 रखे, सारा साल रखे, जिसको नीड है वो जरूर रखे। तो वो जो रोजा चाहता है वो क्या है, बोलिए, जुल्म की जंजीरें। और जो भूखा हो शख्स उसको अपने घर ला, उसको खाना खिला। भी आप तो खाना छोड़ रहे हो, किसी भूखे को खिला दो। अगली बात सुने, अगर हीलिंग किसी ने लेनी है ना, यहां राज है, तब तेरी सेहत की तरक्की जब जाहिर हो जाएगी और खुदावन तेरा हरा बल और तेरा चिंदा बल होगा। आमीन। तेरी रोशनी जब फूट निकलेगी, तेरा चेहरा तमन जलाल से भर जाएगा। आमीन। हीलिंग लेनी है ना, रूहे जीतना शुरू कर दो। आमीन। क्या काम है, बस आप सोचते ना कोई तकलीफ है तो रूह जीतना शुरू करो। ऐसे बीमारी जगह छोड़ेगी, कमजोरी जगह भी, किसी से बात करना शुरू करो, चर्च लाना शुरू करो, उसको मसीह के पास लाना शुरू करो, गहरी से गहरी बीमारी भी जाती रहेगी। करो आप ये काम, क्योंकि ये लिखा है तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर हो जाए। इसका मतलब है जब आप टेस्टमनी देंगे तो आप बता रहे हैं कि आपके अंदर क्राइस्ट है, तो बीमारी वहां टिकेगी नहीं, समझे। करके देखो, इस हफ्ते में रिजल्ट मुझे बताना, हम ये गवाही देते हैं आपके सामने खड़े, नहीं तो ऐसे ठिसी हो। आप भी जो ताजा है, तमन कुनत आपके चेहरों पे है, ये होली स्पिरिट की हवाला से है कि रोगन चेहरे को चमकाता है। रोगन ये ऑयल, तो हमारा ऑलिव ऑयल होली स्पिरिट है। रोटी तवानाई देती है, मशरूब जो मैं पीते हैं वो दिल को ताजा करती है, खुश करती है, पर रोगन ये चेहरे की तमन करता है। हमारा होली स्पिरिट हमारा जलाल है। तो क्राइस्ट के हवाला से यही पढ़ा गया कि रूह उसे जंगल में ले गया और 40 दिन 40 फाका फाका किया। यहां रोजा उर्दू में लफ्ज उसने नहीं लिखा, अगर लिख भी दे तो एक ही मानी होते हैं, मगर क्राइस्ट ने रोजा नहीं रखा, उसे फाका किया है, उसे खाना नहीं खाया। उसको भाई रोजा रखने की क्या जरूरत है, क्या पता उसकी सुनता नहीं है कि रोजे रखे। ये तो एक इंसान, गुनेगार इंसान, उसको अपनी बात खुदा को पहुंचानी तो रोजे रखे, गिरियाजारी करे, दिल को चाक कर। तो मसाया अभी तो वाटर बैप्टिज्म लिया, होली स्पिरिट उसके ऊपर नाजिल हुआ, तो उसकी बात नहीं सुनी जा रही, उसके ऊपर रूह नाजिल हो रहा। आमीन। तब आप देख लें कि रोजे किधर जा रहे हैं, मसीह के रोजे फॉलो कर रहे हैं। जब खुदा ने एक रोजा रखने के लिए कहा, वो भी जो मैं कफारा के ऊपर, अपनी जानों को
दुख देना, ये माने जाते हैं। तो अब वो दुख देते थे रोटी ना खा के, ताकि जो हाई प्रीस्ट अंदर ब्लड लेके जा रहा है उनकी सुनी जाए, उनको माफी मिल जाए, उनकी शिफा हो जाए। और फिर क्राइस्ट ने ये भी कहा कि जब तू रोजा रखे तो अपना मुंह धो, अपने सर पे तेल डाल, पुशीदगी में जा और रोजा रख। या तो आप किसी रोजे खुलवाती हैं, घराने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, आओ जी रोजे खोले, ये तो पुशीदगी का अमल है अगर किसी ने रखना है। और क्राइस्ट ने एक जगह लिखा कि ये किस्म दुआ रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। भी खुदा के साथ तो चलो दुआ तो किया करो, दुआ करने ही नहीं और बदुए निकालना शुरू कर देते, ऐसे निकलेंगे डीमंस। आपका आपकी कम्युनिकेशन, आपका रास्ता मसीह के साथ क्लोज हो। और क्राइस्ट पहाड़ पर पत्र यकूब यूहन्ना के साथ दुआ कर रहा है और बाकी टीम बदरुए निकाल रही है। आप देखे दुआ करने वाले लोग और हैं, बदरुए निकालने वाले और हैं, फिर भी नहीं निकली। फिर जो दुआ करके नीचे आई उन्होंने निकाली। आमीन। तो फास्टिंग जो है, नोट कर ले, आप दुआ के लिए वक्त निकालते हैं ताकि खुदा के जुर्म में एक ठीक वक्त दे सके, और कोई इसका माने नहीं है। रोजा कोई रियाजत नहीं है। खुदा यह नहीं चाहता कि आप भूखे हो, वो ये नहीं चाहता। वो कहता अपना अपना दिल चाप कर, खुदा के हजूर गिरियाजारी कर, रिपेंट कर, माफी मांग, खुदा के साथ चल। वो तो चलना नहीं। तो अगर कोई इन दिनों भी रोजे रखता है तो हम उनको मना तो नहीं करते, चलो रोजा रखेगा, कुछ खुदा की तरफ आएगा ही ना, कोई पूछेगा ना, कोई सवाल आके हमसे, कोई रान भाई मांगेगा ना। तो क्राइस्ट ने क्या सिर पे तेल डाला दिया बाग में, जंगल में? क्या वहां मुंह धोता था? वहां तो कोई शेल्टर नहीं था उसके पास, जानवरों के साथ वो रहता था, बियाबान के अंदर, डेजर्ट के अंदर, जंगल के अंदर, वहां पर उसे ये फास्टिंग की है, ये फाका किया है, जो रोजा भी आप कहते क्योंकि एक ही मान ये फास्टिंग के। पर क्राइस्ट को इस तरह के रोजा, जिस तरह हमें कहा गया है एक सिंफुल नेचर वाले को, उस तरह में क्राइस्ट की जात होली है, खुदा उसकी सुनता है, उसको सर पे तेल डालने की, मुंह धोने की जरूरत नहीं है। वो सन ऑफ गॉड है, रूल कुदरत उसके ऊपर आता है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्रिश्चियनों के अंदर एजुकेशन दी नहीं जाती और जिंदगियों के अंदर फिर उसी तरह एक रस्मन काम हो रहा होता है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और फिर जब मैंने बताया कि जब ये बैप्टिज्म लिया होली स्पिरिट, तब वो आजमाइश के लिए गया, वो तो होली है। और यूहन्ना कहता है कि मैं तो खुद तो इससे बपतिस्मा लेने का मोहताज। आप देखिए, आप उसकी पर्सनैलिटी देखिए, क्रिस्टोलॉजी में यही तो सिखा रहे, उसकी जात का पता चल जाए तो फिर आप देखें कि आप यीशु से बात कैसे करते, आप उसका बयान कैसे करते, आप उसको हाईलाइट कैसे करते, उसकी जात को कितना समझते हैं, कितना जांचते हैं, कितनी ऑनर करते हैं उसकी, कितनी गवाही देते हैं, अपनी लाइफ से क्या शो करते हैं। तो आप देखें कि जॉन बैप्टिस्ट कहता है कि भाई मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। पर यूहन्ना यही भी कहता था, मैं इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आ रहा हूं ताकि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। और जो ही बैप्टिज्म लिया, लिखा आसमान खुल गया, आगे बोलिए खुदा का रूह होली स्पिरिट कबूतर की मदद उसके ऊपर आके ठहर गया, और क्या हेवन से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं। अब आप बताइए, जिससे खुश वो रोजे रख के खुश कराए? रोजा तो है कि आप
अपने आप को पेश कर रहे हैं कि खुदा मेरी दुआ सुन ले। सिन में है, किस जगह है, क्या प्रॉब्लम है आपको, तो मसीह को, मसाया को क्या प्रॉब्लम। इसका मतलब है, पर अगर वो 40 दिन का फाका कर रहा है तो कोई तो बात है। वो मेरी आपकी दुख, मेरी आपकी सफरिंग, मेरी आपकी प्रॉब्लम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने जा रहा है, ताकि दुनिया के दुख, मुश्किलात, सब कुछ अपने ऊपर झेले। तो वर्ष में लिखा है कि होली स्पिरिट उसको जंगल में ले गया ताकि इबलीस से आजमाया जाए। इबलीस नहीं लेके गया, होली स्पिरिट। आप देख ले कि वो तो खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड, आवाज आई है। तो अब किसने सुना? शैतान ने सुन लिया कि यीशु सन ऑफ गॉड है, ये अब उसको पता चल गया तजस्सुम के अंदर। और अब वो पीछा करने के लिए आया है कि मैं क्राइस्ट को जिस काम के लिए आया है जरा मैं चैलेंज करूं। तो वो खुदा के यहां चैलेंज उसने किया, जो यहां लिखा नहीं, मगर बाइबल में अय्यूब की किताब में तो लिखा है ना कि अगर अय्यूब को हैंडओवर किया गया है शैतान के, तो उसको परमिशन दी गई है। अगर शैतान अजमाने आ रहा है क्राइस्ट को, तो उसको परमिशन दी गई है। वो खुद से टच भी नहीं कर सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये परमिशन दी गई, तभी होली स्पिरिट लेके गया। इसका मतलब खुदा ने ये परमिशन दी है, उसने मांगी है कि अगर ये खुदा का बेटा, और क्राइस्ट को भी वो यही कहता था, अगर तो खुदा का बेटा है, तो उसने खुदा के यहां भी ये बात की कि अगर ये तेरा बेटा है तो जरा मुझे चेक करने दे, पता चल जाता है। तो उसने क्या दलील दी होगी शैतान ने खुदा को? बाइबल से झांकिए, क्या दलील दे सकता है? दलील से वो परमिशन लेता है। उसने ये दलील दी भी, इसराइल को भी तो तूने निकाला था, उसको भी तो तूने फिलोटा कहा था, तो वो कहां गई? समझे? वो तो तेरे अगेंस्ट गई, जरा मुझे इसको भी चेक करने दे। ये दलीलें हुई हैं, ऐसे नहीं कभी शैतान आके तो यीशु मसीह के पास आ जाए। वो तो मुझे आपको नहीं टच कर सकता, तो खुदा के बेटे को कैसे टच कर सकते? कैसे कर सकता? मैं आप उसके लिए लिपालिक बेटे हैं, मेरे खादम को छूता, बोलिए, मेरी आंख की पुतली को छूता, को छू के दिखाए। और यूहन्ना के खत के अंदर लास्ट चैप्टर में लिखा कि एक दूसरे के लिए हम दुआ करें ताकि इबलीस छूने ना पाए। मैं आप दुआ करते तो वो नहीं छू सकता, इसलिए तो दुआएं उठाते हैं एक दूसरे के लिए, इसलिए तो कलीसिया की अहमियत है। और जब मैं दुआ करता हूं तो सारी कलीसिया के लिए करता हूं। इबलीस नहीं छू सकता क्योंकि पीछे लगे हुए कमांडर दुआएं करने। आमीन। हमें पता है, हमें मालूम है, मगर अगर हम भी दुआ करें और उसका रिजल्ट आगे ना आए, तो उस शख्स को खुद देख लेना चाहिए कि वो कहां खड़ा है। सारा इल्जाम पादरियों पे ना डाल दे, अपने आप को देखे, आप कहां स्टैंड करते हो, ठीक करते हो, तो क्यों वो छुए? अगर आजमाने के लिए अब आया है डेविल क्राइस्ट को, तो लिखा है होली स्पिरिट उसको डेजर्ट में, जंगल में, बेअबार के अंदर, विल्डरनेस के अंदर ले गया, समझे, ताकि उसको आजमाए। और जब आप पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में, तो लिखा है 40 रोज के बाद इबलीस ने उसको आजमाया। मरकुस की इंजील के अंदर पढ़े तो लिखा है जानवरों के साथ रहा। लूका की इंजील पढ़े तो लिखा है हर रोज इबलीस ने आजमाया। तो जब आप रेफरेंस पढ़े, सब पढ़े, ताकि कहां कहां क्या बात कही गई। 40 दिन के बाद नहीं, हर रोज शैतान 40 दिन वेट करेगा। परमिशन उसको मिल गई है,
और वो वेट करेगा, अय्यूब कहबाला से परमिशन मिल गई तो वो 40 दिन वेट करेगा। फौरन आया उसने, उसका तमाम माल डंगर उसके बच्चे हलाक करके रख दिए। खुदा ने उसको कहा था उसकी जान को हाथ ना लगाना, तो उसने वही किया। अब यहां पर क्राइस्ट के हवाला से ये दलीलें उसने पेश की हैं, और अभी जो आगे चीजें सुनेंगे आपको पता चल जाएगा कि उसने ये दलीलें दी क्या है। इसलिए अपनी लाइफ को सीरियस करें, तवज्जो के साथ संजीदा होके चले। ये डेली डाली जिंदगी नहीं चलेगी कि मैं खादर हूं या ईमानदार हूं, साबित करना पड़ेगा, लाइफ के अंदर खड़ा होना पड़ेगा, स्टैंड करना पड़ेगा। हर बात की समझ बूझ वो स्टेप उठाएं जो पता है अकॉर्डिंग टू बाइबल, नहीं तो पूछें। ऑलरेडी पहले हम बता चुके होते हैं और बता रहे हैं, और रेफरेंस मैंने एक ही टेम्पटेशन का पढ़ा, बाकियों का नहीं, क्योंकि मैं एक के ऊपर बात कर रहा हूं। ये टेम्पटेशन तो एक ही दिन के अंदर हुई है, समझे, मगर जो 40 दिन जो डेजर्ट में बियाबान में, तो क्यों 40 दिन? याद रखिए कि इंसान के अंदर एनर्जी की कैपेसिटी 40 दिन तक होती है हमारी फैट। इसलिए बाइबल में जहां जहां 40 दिन का जिक्र आएगा, 40 दिन के बाद आप खड़े भी नहीं हो सकते। तो उसने तो फाका किया, बात कहते हैं कि उसे पानी पिया होगा, खाना नहीं रोटी नहीं खाई, और भाई जब लिखा ही नहीं पानी भी नहीं पिया, तो कहते जी पानी में कौन सी कैलोरीज होती हैं, पानी तो स्टमक को वॉश करता है, तो इसलिए पानी पी ले। कई कहते जी रोजे में थोड़ा सा जूस पी लो, या हल्का खाना खा लो, आधा रोजा रख लो अपनी बनाई हुई, और भाई इतना आपको क्या प्रॉब्लम है? खुदा के बेटे हो, दुआ करो, दुआ नहीं आ रही या रोजा रखना चाहते हो रखो, रख लो, तो फिर खाना ही की तरफ तवज्जो। तो खाने के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। रोटी क्या चीज है? और इंसान की किताब में लिखा है ये ना हो कि इंसान रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। भी अगर कोई रोटी के लिए चोरी करता है, गुनाह करता है, चोर बजारी करता है, ये ना कि आप रोटी की खातर कुछ सिन करें। अपनी लाइफ रोटी के लिए बसर करो कि रोटी किस तरह मिल जाए। ये सारी तालीम इसके ऊपर है। आप स्पिरिचुअल एफर्ट के अंदर ये मैं आज जो बताने जा रहा हूं कि क्राइस्ट की जो स्पिरिचुअल एफर्ट थी, तो 40 दिन बराबर हर दिन आजमाया गया, हर दिन क्राइस्ट को लूसीफर ने आजमाया, परमिशन मिल गई है, रोज आजमाता। तो 40 दिन के बाद तो उसने एक ही दिन में वो टेम्पटेशन की फिर हद कर दी, उसने कहा आखिरी मैं हरबा इस्तेमाल कर लूं, तो मगर हर रोज वो जो भी करता रहा, क्या करता रहा, कभी आप विल्डरनेस का नक्शा अगर आपको पता है तो फिर आपको जंगल बियाबान के अंदर, और लिखा है कि क्राइस्ट ने फाका किया, इसका मतलब है क्राइस्ट ने खुद अपने आप को इसलिए फाके में पेश किया ताकि वो जो बनी इसराइल 40 साल तक खुदा को नाराज करते आए, ये दलील डेवल लेके गया है कि उन्होंने नाराज किया खुदा को, और हर रोज खुदा के अगेंस्ट चलते थे। तो क्राइस्ट ने, और वो जो 40 साल का जो जजमेंट थी वो एक्चुअली 40 दिन की सजा थी। तो अगर क्राइस्ट 40 दिन फास्टिंग फाके में आ रहा है तो इसका मतलब है वो 40 साल के बराबर दुख जो बड़ी इसराइल ने रिजेक्ट किया, शैतान के सामने चैलेंज है, आ जो मर्जी मेरा कर ले, हर रोज मुझे आत्मा। ये तो 40 दिन उसने कहा रोटी के हवाले से बात की, तो क्राइस्ट तो हर रोज रोटी की तो उसने बात की ही नहीं, रोटी के ऊपर ये बहस नहीं थी डेविल की,
ये तो 40वें दिन हुई है। रोटी के ऊपर इसलिए बहस नहीं और 40 दिन के बाद हुई कि क्राइस्ट को मालूम, मुझे आपको मालूम है, वो तो खुदा का बेटा मालूम है कि 40 दिन मुझे कुछ नहीं होने का, आपको भी 40 दिन ना खाना खाए कुछ भी नहीं होगा। क्राइस्ट कहे कि मुझे रोटी लाके दो, फरिश्तों से क्राइस्ट कहे खुदा मुझे पानी लाके दे, वो जो 500 को मैं बनाने वाला है, वो जो 5000 को खुद खिलाने वाला है, वो मुझे नहीं कर सकता, रोज कर सकता है। वो तो किसी को भी एंजल को कहे, जिस तरह एलिया को खाना खिलाया गया, फरिश्ते ने खुद रोटी पका कर खिलाई, तो क्राइस्ट को तो जो मर्जी वो मांगता, पर नहीं, क्योंकि मालूम है कि मैं इसके बगैर जिंदा रह सकता हूं, मैं भी रह सकता हूं 40 दिन, आप भी रह सकते हैं, पर 40 दिन के बाद नहीं, क्योंकि कैपेसिटी मेडिकली इतनी ही होती है। 40 दिन के बाद एक लम्हा भी आप खड़े नहीं हो सकते, एक दिन भी अगर ऊपर ले जाएंगे डेथ हो जाएगी, इसलिए 40 डेज। तो क्राइस्ट ने ये जो फाका रोजा फास्टिंग की है, ये नहीं कि उसकी दुआ सुनी जाए कि वो गुनेगार है या वो भूखा है, उसको भूख लगी हुई है, नहीं, वो हर रोज किस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। आज बाप के अंदर लिखा है इसराइल के हवाला से, मूसा इस्तिस्ना के अंदर न्यू जनरेशन को, जब मैं एक एक लफ्ज बोलता हूं पेंटाड्यूक के, तो आपको पता हो कि अब किन से मुखातिब है, अब किसे, मूसा न्यू जनरेशन से मुखातिब था, और उनको कहा कि खुदा ने तुम्हारे बाप दादा को, तुम लोगों को 40 साल तक मन खिलाता आया, रोटी नहीं खिलाई, 29वें बाप में पढ़िए, ना पीने को मैं दी ताकि उनको आजीज करे। ये तीजी बात मरकजी, आपका बाप आज इसका मतलब हम्बल करे, खुदा इसराइल को हम्बल करे कि मैं मिस्र से निकाल के लाया हूं, और ये ना कि आप मिस्र के ऊपर तवज्जो करें। और यज्ञ की किताब में लिखा है कि अगर तू कहे कि मैं मिस्र को दौड़ जाऊंगा क्योंकि मैं यहां रोटी को तरसता हूं, वापस चला जाऊंगा, वहां तो हम हांडियों में गोश्त खाते थे, और यहां मूसा हमें कहां ले आया, उन्होंने कहा भी, तो खुदा ने एलियम की वादी में फिर उनको मन दिया और उनको कहा मैं हर रोज दूंगा, और साथ कहा हर रोज आजमाऊंगा, पढ़िए यार, हर रोज दूंगा मन और साथ आजमाऊंगा और देखूंगा, अगली बात सुनू सुने, देखूंगा कि खुदा देखे कि तेरे दिल का प्यार क्या है, कि मेरा हुक्म मानता है या नहीं। ये मन खाने के बाद तू चीखता है गोश्त के लिए या मिस्र की रोटी के लिए, या शुक्रगुजारी करता है, क्या करता है, मैं तेरे दिल से वाकिफ होना चाहता। यही आज हर कोई देख ले कि उसके दिल में क्या है खुदा के लिए, हुक्म मानना या आधा हुक्म मानना, उसको खुश करना, क्या है चल रहा है, मुझे मेरे दिल का हाल मुझे पता है, तो वो मुझे जिस हाल में लेके आएगा वो मेरा हाल देखेगा कि अब ये क्या कहता क्या है, ये बकवास करता है या मेरी तारीफ करता है। आई समझ, ये सख्त लफ्ज मैंने बोला कि ये बस बस करता है या मेरी शुक्रगुजारी करता है, जो उसके ऊपर आए हैं क्या बोलता है, तो कहता है मैं हालात इसलिए लाता हूं, मैं आजीज करूं, रोटी मैंने रोकी, वो 5000 को रोटियां दे रहा है, तो यहां उसने रोटी बंद की है, खुद बंद की है, और जब वो चीखे तो उसने फिर मन बरसाना शुरू किया भी ये हेवन का है, ये मिस्र की नहीं है, बियाबान में तुम्हें नहीं मिलेगी, तवज्जो कर लो मेरे ऊपर, मैं ही बरसाता हूं, मैं ही खाना देता, मगर वो ऐसे ढीर थे कि उन्होंने खुदा से दूरी बनाई रखी। तो लिखा है मैं आजमाऊंगा, मैं तुझे आजिश करूंगा, हम्बल करूंगा,
बच्चों तुम्हारे बाप दादा को, तुम लोगों को 40 साल तक मन खिलाया रोटी नहीं खिलाई ताकि वो आजिज करे। अगर रोटी पानी की कमी, गौर से सुनिए, आज मेरी और आपकी लाइफ में अगर बिलीवर है आ जाए, आजिज हो जाए, हम्बल हो जाए, बुड़बड़ाए नहीं, कूड़े नहीं, रोए नहीं, लड़ाई ना करें एक दूसरे के साथ, तमाशा ना बनाए, खुदा से दूरी ना बनाए, यही वक्त है कि हम्बल अपने आप को करना है। तो लिखा है कि मैं देखूं, आजिज करूंगा, देखूं, आजमाऊंगा कि क्या तेरे दिल में चल क्या रहा है, ख्याल क्या है, कि ये हार आया है तो अब तेरे मुंह पे क्या क्या बात आई है। अगर तू मुसीबत के वक्त बेदिल हो जाए तो तेरी कुवत कम। क्या बोलते हैं हारून, शुक्रगुजारी करते हैं या कोसते हैं खुदा को, या रोते हैं या बुड़बुड़ाते हैं कि खुद मैं मेरा क्या बनेगा, क्या हो गया मेरे साथ, मत। यही तो मौका होता है वो हम्बल करना चाहते। ये जी फाकों का मतलब ये नहीं है जी, सवेरे सुबह रोजा रखा और माँ बेचारी फिक्रमंद होगी, ले आओ गोश्त बनाओ, ये भी बनाओ, मेरा मेरी बच्ची रोजा रखा हुआ है, मेरे बच्चे ने भी रोजा रखा हुआ है, ना बच्चे को पता है, ना अब्बे को पता है, ना अम्मा को पता है रोजा है क्या चीज, बस जल्दी जल्दी टाइम की होया, बस रोजा खुलने वाला है। वो भी किधर से खुलने वाला है, आप ही खोली जा रहे, समझे, ये रोजे रोजे खोल रहे, कुछ तारे देख रहे। एक देहाती फैमिली में हम मुनादी करने के, तो कहेंगे भाई साहब यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है रोजा खोलने की, मैं क्या कहती हम अजान की बात सुन के रोजा खोलते, कुछ पता होता नहीं। तो लिखा है कि मैं आजमाऊंगा, देखूंगा कि तेरे दिल में से क्या बात निकलती है तेरे हालात के मुताबिक। पर अगर बिलीवर है, दूसरा शख्स की बात नहीं हम कर, क्योंकि उनको तो निकाला था मिसेस, तो उनको मालूम होना चाहिए कि क्या हाल मिसर का किया, हमें निकाल के ले आया, कुलजम आगे से हटा, वो फिर भूल जाए। आप याद रखिए, जितने मर्जी मौजे कर ले या करवा ले, ये काफी नहीं है जब तक नजात ना कोई पाएगा, जब तक मसीह अंदर ना आएगा। मसीह अंदर आ जाए तो आप जगमग जगमग कर उठेंगे। आमीन। छोटी मोटी तकलीफें तो आती रहती हैं, यहां खादमों के ऊपर तो कुछ ज्यादा ही आती है, इसलिए कि उनका स्टेमिना ज्यादा, दुख सहने का ज्यादा होता है, अजूब के ऊपर ज्यादा, सब लीवर्स पे नहीं आएंगी, याद रखिए। हम खादमों पे बहुत आते हैं, हम सह भी जाते हैं, वो आने भी देता है ताकि हम नमूना बने, कि अगर मेरा खादम दुख में खड़ा है तो हमें भी खड़ा हो। यहां कहते हैं ये खादम है, खुदा भी टिल्ला, ओ भाई आप उसको देखें उस हालत में, वो खुदा के साथ खड़ा या नहीं, भाई यही देखना है और क्या देखना है। तो असमत है किस बात के लिए, कि वो हम्बल हम्बल हो, हलीम हो, आजिज हो। ऐसा ना हो बनी इसराइल, तू रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे, इसलिए मैं ये रोटी रोक रहा हूं ताकि तुझे पता चले कि तू रोटी के टुकड़े के लिए क्या करता है। आज भी कोई रोटी के लिए, खाने के लिए, लेने के लिए अपनी जॉब बिजनेस हेर फेर करता है, खुदा के पैसे में हेर फेर करता है और खुद कहता मैं खा लूं, तो वो हम्बल शख्स नहीं है, वो हलीम शख्स नहीं है, वो ऐसा दगाबाज शख्स है कि खुदा को दगाबाजी दिखाता है। हम्बल हो, आजिज हो कि जो तू कहता है मैं हो जाऊंगा। और आगे इन सारी बातों के बाद क्या लिखा है कि मैं इसलिए कर रहा हूं इसराइल, मूसा के जरिए बताया, ताकि तुम्हें मालूम हो, अगली बात सुनिए, इंसान सदा रोटी से जिंदा ना रहेगा। ये थी ये बात, बल्कि हर एक उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है, रोटी इसलिए रोके आदेश करता हूं ताकि तुझे पता हो कि जिंदगी रोटी से नहीं, रोटी खाने वाले जितने मर्जी खाबे खा ले मर जाएंगे
पर खुदा के कलाम के तुक्म से पैदा हुए हमेशा जिंदा थे। तो फिर रोटी के लिए गुनाह करें? रोटी ही सब कुछ है, खाना ही सब कुछ है। वो हमारे जेनों से आउट करना चाहता है इन चीजों के ऊपर अपनी जिंदगी। ये नहीं कि वो हमें भूखा मारना चाहता है, नहीं, उसने कहा आजमा कर देखो, शेर का बच्चा भूखा रह सकता है मगर मेरा तालिब, बोलिए, किसी नेमत का मुताज ना होगा। हमारे घर में तो वासन रोटी होती है, आ जाए 10 मेहमान भी आ जाए, खाओ भाई, आ जाओ खाना खाए, क्यों ना बरकतें। खुदा के लोगों के घर में क्यों कमी हो, समझे? आप ऐसे मैं किसी को भी उठा लू, मैं सबको विजिट किया, सबको जानता, बरकतों से माला माल। आप सब टाइट देने वाले लोग हैं, ये बरकतें हैं तो ही देते हैं ना। तो जो नहीं ना देता वो रोता है, वो रोने वाला शख्स, और वो आजिज भी नहीं है, हलीम भी नहीं, हम्बल भी नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मेरा खुदा क्या है। उसको सिर्फ अगर कलाम सुनने का शौक है तो शौक ही है, वो क्या क्या है कलाम सुनाया, वो भी अमल भी करता है, कैसे फजूल ही। हम बड़ों को जानते हैं, हमें कहे वाह जी वाह क्या इकलाम था, तो मैं कहता हूं अमल भी तो याद किया करो। कई कहते हैं बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलाम था, मैं कह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर भी तो आओ, समझे? क्या बस कहना ही मुंह जुबानी, वो तेरे दिल के ख्याल को देखना चाहता है, किस्सा आजिज करके, हम्बल करके, अजमा के वो तुझे। इसलिए 40 दिन की जो फास्टिंग होती है तो क्राइस्ट तो हर रोज फाके के अंदर अजमाया है उसको, तो आसमात है किस बात के लिए कि वो हम्बल हम्बल हो, हलीम हो, आजिज हो। वैसे जो जनरल रोजा रखते हैं ना उनके पास में नॉलेज होना चाहिए, पहले दिन बहुत भूख लगती है, 3 दिन तक फिर नहीं लगेगी। अगर वो भी वक्त आपने ले लिया कि आप बर्दाश्त कर गए, फिर 7 दिन तक आपको कुछ नहीं होता, भूख नहीं लगे। 7वां दिन भी आपने गुजार दिया, फिर 14 दिन तक आपको भूख नहीं लगेगी, 14 दिन फिर लगेगी। 14 दिन के भी आपने बर्दाश्त कर लिया तो फिर 21 दिन तक आपको कुछ नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी। 21 दिन भी आपने गुजार लिए 21वां दिन तो फिर 40वें दिन तक भूख लगेगी नहीं, समझे? मगर 40वां दिन जब आ जाएगा ना, उसके बाद फिर आप फिर नहीं आजमाए, फिर गलत, फिर मुश्किल हो जाएगा काम। तो ये इसलिए बाइबल में 1 दिन का रोजा है, 3 दिन का रोजा है, 7 दिन का रोजा है। ये मुख्य दाऊद ने 7 दिन का रोजा रखा, आस्था ने 3 दिन का रोजा रखा, अपनी अपनी उस कैपेसिटी के मुताबिक। पौलुस रसूल ने 14 दिन का रोजा रखा कश्ती में जब जहाज उसका टूट रहा था। डैनियल 21 दिन का रोजा रखा, मोसेस 40 दिन, क्राइस्ट 40 दिन फाका, कोई 41वां दिन आपको नहीं मिलेगा। चलो बच्चों रोटी नहीं मिलनी, मन खाओ, मगर वो गुड़बड़ाते थे, कभी गोश्त मांगते थे, फिर दे भी देता था, फिर मुंह से निकालता भी था, उनके दिल के ख्याल मालूम हो जाते थे। तो मालूम हो गए खुदा को कि ये बहुत ढीठ लोग हैं, ये मेरी बात का भरोसा नहीं करते, मेरी बात के सुनवा नहीं होते। अब यहां पर फार्मूला है, जाकर दुआ करो, दुआ करने वाले हैं तो शैतान दूर रहेगा, बीमारी दूर रहेगी, आजमाइशें दूर रहेगी। शैतान ने पूरा पूरा 40 दिन जोर लगाया और क्राइस्ट के ऊपर गालिब वो नहीं आया। आप सोचिए बियाबान डेजर्ट के अंदर जब 40 दिन में अगर बारिशें हो रही होंगी, कोई शेल्टर नहीं है उसके पास, वो भीगता होगा, सर्दी लग, क्योंकि उसके पास ब्लैंकेट थे, एम्ब्रेला था, ऐसे ही जुब्बे में चला गया, कोई कपड़ा नहीं, सर्दी। पालूस लोगों ने इन चीजों को देखा है, सीखा है, लर्न किया है, मैं दुनिया के खादम अपने मसाया किस तालीम से, उसकी जिंदगी से, वाकई में भूखा प्यासा जंगलों बियाबानों के अंदर मेरे लिए आपके लिए मारा मारा फिर रहा,
यशायाह की किताब में लिखा, अगर तू प्यासों के साथ दौड़ा तो तू थक गया, और घोर सवारों के साथ क्या करेगा जब तुझे उनके साथ भागना पड़े। भी पैदल चलने वालों की बात कर, मैं थक गया हूं, यानी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम या थोड़ा सा काम थक गया, और अगर घोर सवारों के साथ तुझे भागना पड़े तू तो जा ही नहीं सकता। और आगे लिखा, अगर तू सलामती की सरजमीन में स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, यानी स्टम्बलिंग के अंदर है, और इंग्लिश में बड़ी मगर तकबा यहां आया बेखौफ, ये लफ्ज नहीं है, अगर तू सलामती के शहर यरूशलेम में मुश्किल के अंदर, जहां सलामती है वहां तू डर खौफ के अंदर रहता है, तो फिर यर्दन के जंगल में क्या करेगा? वो तो बड़ी मुश्किलात है, और जब रिवर जॉर्डन चलता है पानियों, तो ये सारा जंगल भी बांध पानियों से भर जाता है, फ्लड आ जाते हैं अंदर, कनारो से जब वो बहता है, फिर क्या करेगा अगर तू वहां होगा, यर्दन के जंगल में होगा तो तेरा क्या बनेगा? इसका मतलब है अगर तू छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी सी मुश्किल से घबरा गया, तो अगर बड़ी आ गई तो क्या करेगा? यर्दन के जंगल में क्या करेगा? सलामती के शहर में तेरा दिल नहीं लगता, तू खुदा के साथ नहीं चलता, जहां है कल है जैसे कलीसिया है, यहां सलामती है ना, और यहां उसका दिल नहीं करता तो बार मार ही खाएगा ना। कहते हैं निफाकत करो, नहीं सुनते, ऐसे ऐसे ढीठ लोग हैं। अगर तू सलामती के शहर में ठोकरे खा गया, परेशान हो गया, बोलिए आगे, तो यर्दन के जंगल में क्या करेगा? वहां तो तू अपने आप को मार मुश्किल में पड़ जाएगा। इसका मतलब है अगर थोड़ी सी तकलीफ है, मत डरो, मत घबराओ, फरीसाई मन भी तुझे मिल रहा है, फिर भी तू बागी होती है। आज इसकर हम्बल कर अपने आप को, ये बिया बांध की आगे मुश्किलात आएंगे, आगे लड़ाइयां आ रही है, तो तेरा क्या बनेगा? इसलिए वो मारेंगे सारे बिया बांध, वो तो फिर न्यू जनरेशन जाके लड़ी, वो तो रोटी के लिए ही चीखते रहते थे, रोते रहते थे। तो आप अगर तू प्यासों के साथ चला तो उसे थका दिया, और अगर घोड़सवारों के साथ दौड़ेगा तो फिर तेरा क्या बनेगा? था तू तो चलेगा ही नहीं। मतलब है छोटी मुश्किल के अंदर भी खड़े रहे, बड़ी मुश्किल के अंदर भी खड़े रहे। आगे ये नहीं कि खादम ये ईमानदार बस गया, क्यों गया? खुदा हमारे साथ है, आमीन। जो मर्जी हालात आ जाए, जो मर्जी प्रॉब्लम आ जाए, जो मर्जी दुख आ जाए, जो मर्जी हमें परेशानी दे दे, घराने दोस्त अजीज हम पर बैठ, जो मर्जी हमें तकलीफ दे दे, हम हराशा नहीं होंगे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। क्यों? छोटी सी प्रॉब्लम से, कोई अपनी वाइफ से तंग आ जाए, कोई हस्बैंड से आ जाए, कोई बेटों से आ जाए और मसीह से दूर हो जाए, कोई रोटी पानी की कमी होगी, जॉब चली गई है, बिजनेस नहीं है, टक्करे मारे, क्यों? खुदा हमारा जोर, हमारी तवानाई, वो संभालता है, वो हम्बल करना चाहता है, बचाना चाहता है, देखना चाहता है तेरे दिल का ख्याल। मैं आप जो यहां बैठे हैं, हमारे दिल का ख्याल साफ आया है कि हम रिफाकत करना चाहते हैं, यही है ना ख्याल, और क्या? तो बाकियों को भी रूहें जीते बचाए, जिंदगियों को ऐसा ना हो कि जो यर्दन के जंगल के अंदर अगर फंस गए तो फिर वहां तो तकलीफें बहुत हैं, जहां मेरा आका मसीह यर्दन के जंगल में गया। सबसे बड़ी वहां प्रॉब्लम यह थी यर्दन के जंगल में, वहां शेरों के मस्कन थे, वहां पर शेर गराते फिरते थे, जब पानी यर्दन का चढ़ता था वो शेर आ जाते थे पानियों के पास। हिस्ट्री आप पढ़िए, फिर वहां से वो अपना फूड तलाश करते थे,
और बियाबानों में रहते थे, यार क्राइस्ट आ गया है, वो टच नहीं कर सकते डैनियल की तरह के उसको टच करे, क्योंकि खुदा का बेटा मसाया दुआ करने वाला है। मसाया सबको पता था कि ये बियाबान में क्या होना है, ये जंगल में क्या होना है, ये यरदन के जंगल में क्या होगा, बड़ी मुसीबत। बे सुनिए, सलामती के शहर में अगर तू घबरा गया तो जंगल में क्या करेगा, वो तो तू डर ही जाएगा, यानी वहां सख्त मुश्किल है। बे सुनिए, यीशु मसीह ने यरदन के जंगल से सख्त जगह से अपना आगाज किया, मुश्किल जगह से अपना आगाज करता है, तभी कलवरी के मकाम पर अपनी जान देता है। अरे चलो, तभी मतलब दुख आ जाए, मुश्किल आ जाए, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। अगर आराम वाली जिंदगी में आबादात फेर रहे हैं घरों में, तकलीफ मुश्किल में डाला हुआ हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को, तो यार मुश्किल आ गई, काल क्या पड़ गया, फिर तो मार ही दोगे ना एक दूसरे को, सत्यानाश ही कर दोगे। आम प्रॉब्लम के अंदर आप नजरअंदाज, सलामती के शहर पे वहां यार चर्च नहीं आया जाता, घर बैठे हुए हैं, आपने नजर करो कौन कौन आपका घर बैठा हुआ है, भी ऐसे बैठे हुए आराम से, जगह आराम से, कोई तकलीफ ही नहीं। तो कहते तकलीफ है क्या है, थोड़ा थक गया हूं रात को, ये भी सलामती है और थक गया, ये बस मेरा दिल नहीं कर रहा, जब तेरे ऊपर काल पड़ेगा फिर तेरी चीखें निकलेंगी, जब तू जो में सोगा फिर तुझे पता चलेगा कि क्या मेरे ऊपर वाकया हुआ है, जब तेरे ऊपर कोई बपा आई फिर तुझे पता चलेगा कि तूने क्या मजाक बना रखा है। सलामती के शहर में तुझसे नहीं, छोटी सी प्रॉब्लम में हमें आपको बाजार किया हुआ है, तो यरदन के जंगल में क्या करेगा, यरदन के जंगल में मेरा यीशु ने खड़ा होकर दिखाया। 40 रोज फाका उसने किया, और बात जब 40 दिन आजमाइश के वो भी पूरे हुए, अब क्राइस्ट के ऊपर सही अटैक भूख का हुआ, अब हुआ, अब अटैक हुआ भूख का, अब आ गया पास, समझे, वो पहले तो पूरी पूरी कोशिश की, अब भूख लग गई है उसको, समझे। मुझे आपको जब भूख लगती है तो फिर घर में क्या होता है नजारा जरा देखें, अब भूख लगी है, भूख में पता चलेगा अब ये मुश्किल कठिन, और जंगल में वो साबर रहा आगे, जितनी मर्जी आप कठिन आ जाए उसे साबित कर दें मेरे आपके लिए नमूना के लिए, और इब्लीस से कहा इन पत्थरों को कह के रोटी बन जाए, इसका मतलब रोटी पे ही उसकी निकाह दिलवाई ना, कि इसको जो नहीं डाय, आप सुने, अगर हमको मुझे आपको किसी चीज की बड़ी जरूरत है, हमें खुदा से मांगनी मिल जाएगी, पर शैतान आपको उसको कहेगा अच्छा मुश्किल है तो चोरी कर ले, ठग ले, कोई तुझे देख नहीं रहा, कर ले, कर ले, को जो मर्जी कर ले, यही वक्त है। उसको तो रोटी की भूख लगी, आज तो जिसम में बड़ी भूखें लगी हुई है लोगों को, और बड़ी भूखें चल रही, क्या क्या भूख तंग कर रही है उनको, रोको अपने आप को, सेट करो किस चीज से आपको तकलीफ हो रही है, भूख क्या सता रही है, रोटी के टुकड़े के लिए गुना, कोई ऐसी भूख है उसके लिए गुना, खुदा पे भरोसा, उसके साथ चले, और जिस्म की जो भूखे हैं उनको काबू में लाए, शिकंजा के अंदर लाए। वो कहता है इन पत्थरों को कह रोटी, गलती काम करने के लिए कर रहे हैं ना, तू खुदा का बेटा है, अगर है तो कह, तूने हेवन बनाए हैं, आंख बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, बाइबल में तो लिखा है वो पत्थरों से उलाज पैदा कर सकता है सब कुछ, पत्थर को रोटी
नहीं बना सकता है। जवाब उसको फिर दिया, इंसान सदा रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। यह जवाब दिया। एवे क्या जवाब दिया? जो बाप ने कहा था ना इसराइल को, वो जवाब दिया। जो यहोवा बाप ने इसराइल को कहा था इंसान सदा रोटी से जिंदा रहेगा, तो ये जवाब डेविल को मिला है कि उन्होंने तो नहीं समझा, पर मैं तो समझता हूं। रोटी क्या चीज है? 40 दिन गुजार सकता हूं, और अगर खा भी लू तो भी मर जाऊंगा, पर अगर कलाम से जिंदा रहना चाहता है तो कलाम सुने। कलाम का जखीरा जिंदगी कलाम ने देनी है। कलाम के तुक्स से मैं आप पैदा हुए हैं, नए सिरे से जिंदगी इससे है। जो मर्जी खाने पका लो, खाने खा लो, बीमार भी होंगे, डेथ भी होगी, मरेंगे भी, रोएंगे भी, इंसान सदा हमेशा रोटी से जिंदा नहीं रहता। ये कॉन्सेप्ट दूर करके, ये मिलेगी जरूर, ये कॉन्सेप्ट दूर करके कहीं मर जाऊं, रोटी पका लो दे दो खा लूं, ये दाल मुझे दे दे पिलोदा तू बन जा। लाइफ के अंदर कंट्रोल, लाइफ के अंदर अपने आप को स्टेबल करें, खुदा के साथ चले, इत्मीनान हो घरों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर खुदा के कलाम के शिलवा होने की भूख लगी हुई हमारी जिंदगियों के अंदर होनी चाहिए। इंसान बोलिए हमेशा रोटी से जिंदा ना रहेगा, बल्कि हर एक उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को नोश करता हूं, मैं लेता हूं तेरा कलाम, मुझे जिंदगी देता है, हया बख्शता है। खुदा का कलाम उसके मुंह की बात जो वो कहता है वो मान लू, रोटी नहीं सर। उसकी खातिर आप मिस कर दे इबादत संडे की, उसकी खातिर बाइबल स्टडी मिस कर दे, बड़ी मजबूरी है और बात, उसकी खातिर प्रे फेस्टिवल आप कह दी कोई बात नहीं, दुआ घर ही कर लेते, अपना रख दो। इंसान इन रोटियों से चीजों से जिंदा नहीं रहेगा। क्राइस्ट ने जो 40 दिन का फाका रोजा रखा, ये सफरिंग ना आज सफरिंग से स्टार्ट किया, फिर कब समने की सफरिंग, फिर सलीब की सफरिंग, ये वही ले सकता है जो जंगल के, जो यर्दन के बियाबानों, उन जंगलों के अंदर खड़ा हो गया जहां शेर बब्बर ताकते हैं, और जैसे आप 50 बाप आप पड़े शेर बब्बर झाड़ियों से निकला है। इसे नबूकदनेस्सर भी मुराद है, यानी और फिर आगे लिखा है यर्दन के जंगल से निकला है, यानी ये सख्त मुश्किलात मसीह ने उठाई, रूज जंगल में ले गया, यानी नहाय सख्त हालात के अंदर ले गया, वहां खड़े होकर दिखाना है। आमीन। कोई भी आपको बहलाकर मसीह में स्टैंड करे, और आधा बाप जहां से मैंने आज पढ़ी थी वहां लिखा है आखिर को मैं भलाई करूंगा क्योंकि मैं चश्मों की सरजमीन में तुम्हें ले जाने वाला हूं। आमीन। बालों की सरजमीन में ले जाऊंगा। यहां तुम जरा आजीज हो जाओ, मेरी सुन लो, मेरी मान लो, मैंने बहुत बड़ा प्लान तुम्हारे लिए किया है। यहां भी हम्बल हो जाएंगे, खुदा के साथ चलेंगे, यहां भी वो देगा हर बरकत। आप सबको बरकतें मिली हुई, कोई कम नहीं है, आप चलते और आगे इससे बढ़कर। आप ही दो तीन जुमले सुन ले। इबलीस ने पूरी कोशिश की कि इस सफरिंग से हटाए, ये रोजे से नहीं सफरिंग से हटाए, कर पत्थरों को कह बन जा रोटी, यानी अपनी फिक्र कर। उसे कहा नहीं इंसान, अब तो 40वें दिन तक खाना ही पड़ना था। कहा नो, इंसान रोटी से जिंदा नहीं, पत्थर क्या, मैं तो रोटियों के अंबार लगा दिया, रोटी ने मुझे जिंदगी नहीं, खुदा के कलाम उसकी मर्जी पूरी करने आया हूं, इसलिए उसने कहा मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूं, मैं उसकी मर्जी पूरी करने आया हूं।
अरे यहां तो रोटी की बात तो कर रहा है, मुझे तो जान कोई बात कर, मुझे तो मरना है, मुझे तो कोड़े खा रहे हैं, मेरे तो मुंह पे थूका जाएगा, मैंने तो काटे झेल ले, मैंने तो स्लिप में लटकना है, मैंने तो बहुत कुछ अभी दुख उठाने हैं भाई, तू इन रोटियों से मुझे बरकरार रहा है, रोटी क्या चीज है। 40 दिन फाका करके आखिर उसे भूख ली, उस पे भी गालिब आया, फिर मैंने बताया एक दिन में सारी, फिर कंगरे पे खड़ा कर दिया, गिरा अपने आप को, क्राइस्ट ने कहा लिखा है खुदा अपने खुदा की अजमाइश न कर, उसने कहा बादशाहियां तुझे दे दूंगा, सजदा कर, उसने कहा दा सिर्फ खुदा ही को सजदा कर, और वह भाग गया। इबलीस की कोशिश थी कि ये रोटी खा ले, मसीह ने पूरी स्पिरिचुअल लेवल से कह दिया अपने बाप की बात, इंसान सारा रोटी जिंदा ना। इसलिए मुझे आपको भी बर्दाश्त करनी है प्यारे भाइयों, साबित कदम उठाएंगे और खुदा के कामों में अफजाइश कर चुके, हम ये जानते हैं कि हमारी मेहनत उसमें बेफायदा ना होगी, और रोमियों में कोशिश में सुस्ती ना करो, स्पिरिचुअल एफर्ट में मसीह की तरह दुखों में ये स्टेप छोटे हैं, बर्दाश्त कर दो, बड़ों की भी करें, क्योंकि जिंदगी मेरी आपकी है, ये बेफायदा ना होगी। आइए खड़े हो जाए।